Hello everyone, welcome back to BFSC Fisheries online classes. Now I am with morphology, that is the fourth part of taxonomy of finfish. In last class of taxonomy of finfish, we have studied about the morphometric and the majestic character of finfishes. In this class further, I am going to talk about the morphologic of finfishes. Now proceeding towards the lecture, I am here to let you know about the shape of finfishes. Now on the basis of body shape, there are almost six type of finfishes. Now body shape ke basis pe almost छह तरह के fishes होते हैं, जिसमें सबसे पहला flat या depressive form fish है. जैसा कि आप देख सकते हैं, ये fishes flat हैं, तो ये body मतलब bottom surface of जो water है उसके bottom में पाए जाते हैं ये fish, इसलिए इसका body उस तरह. तो ये फ्लैट शेप फिशेस हैं, जिसमें एग्जांपल है स्केट्स या फ्लाउंडर. तो फ्लैट फिशेस है तो उसका सामने से देखने पे उसके जो फिन्स है वो बर्ड के जैसे दिखते हैं. तो अप एंड डाउन मूवमेंट्स के कारण अपने फिन्स को ये फ्लैट सरफेस पे चलते हैं, इसलिए इसका बॉडी शेप उस तरह का है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल स्केट्स एंड फ्लाउंडर. द सेकेंड टाइप इज़ लॉन्ग एंड स्किनी और फिलीफॉर्म फिशेस. तो ये लॉन्ग है और स्किनी है, तो इसका बॉडी शेप इस तरह का है, क्योंकि ये फास्ट मूविंग करंट ऑफ वाटर को इसको हेल्प करता है ताकि ये मूव कर सके. तो इसमें जो फिशेस हैं उसका एग्जांपल है ईल फिशेस. दे हैव फिलीफॉर्म बॉडी शेप, और ये बॉडी शेप क्रिवाइसिस के लिए बेटर होते हैं, क्योंकि इनका मेन इसका काम यही होता है ताकि क्रिवाइसिस में छिप सकें. अगर क्योंकि इनको अगर लगता है कि इनको किसी से खतरा है, तो फिर ये डेंजर के समय अपने बॉडी शेप के कारण क्रिवाइसिस में छिप सकते हैं. तो ये लॉन्ग या स्किनी फॉर्म या फिलीफॉर्म शेप के फिशेस हैं. तो ये जो फिगर में है ये फ्लैट फिशेस के एग्जांपल है. जैसे फ्लाउंडर, जो आपको पहले भी बताए थे स्केट्स एंड फ्लाउंडर, द फिगर शोइंग हेयर इज अबाउट द शेप अबाउट द स्केट्स. नाउ द थर्ड वन इज़ द ओवल और फ्यूजी फॉर्म. तो बॉडी शेप इसका ओवल है, फॉर एग्जांपल ट्यूना एंड बास. तो ये जो गोल्डन फिश है वो बास की है, एंड द सेकेंड वन इज़ ऑफ ट्यूना. तो ये फिशेस बॉडी शेप ओवल शेप का है, तो ये मेनली बॉडी वाटर सरफेस पे पाए जाते हैं, वैसे फिशेस हैं. ये फास्ट मूविंग फिशेस होते हैं, इसलिए इसका बॉडी शेप इस तरह का होता है. तो फोर्थ फॉर्म, ये तो हुआ थर्ड फॉर्म. तो फोर्थ फॉर्म है सैगेटी फॉर्म फिशेस. तो ये फिश एरो शेप के होते हैं, मतलब इसका बॉडी शेप एरो के जैसा होगा. तो इसका एग्जांपल है पिकरल, ग्रास पिकरल. तो अदर फिश जो कि बॉडी शेप एरो लाइक होते हैं, मतलब ये मेनली डिफेंस के लिए इसका बॉडी शेप ऐसा होता है एरो के जैसा. और फिर इसका एग्जांपल है पाइक्स, कार्स, टॉप मिनोज एंड किली फिश, नीडल फिश एंड बाराक्यूडा. तो इसका बॉडी एरो के जैसा होता है, ठीक है. तो इस ये फिशेस में आप देख सकते किली फिश एग्जाम्पल दिए हुए हैं. टेनी फॉर्म फिशेज आर रिबन लाइक. फॉर एग्ज़ाम्पल गनल, इट इज़ शोन इट इज़ रिबन लाइक बॉडी शेप. टू गेट दे आर हेल्पफुल फॉर देम टू हाइड इन क्रिवाइसिस. फॉर एग्ज़ाम्पल रिबन लाइक फिशेज ग्यूनल. तो ये तो हुआ टेनी फॉर्म फिशेज. ये फिर होते हैं ग्लोबी फॉर्म फिशेज, जिसका बॉडी ग्लोब के जैसे हो जाता है फूल कर, क्योंकि वो डिफेंस के लिए होता है. फॉर एग्जांपल लंप सकर. ये जो डायग्राम में फिश है वो है पफर फिशेस. आफ्टर टचिंग दे विल लेट देयर साइज इंक्रीज सो दैट दे मे डिफेंस देमसेल्व्स. उसके बाद फिर ये होता है एंगुली फॉर्म फिश. जैसे ईल, मैनी ईल्स दे हैव शेप लाइक एंगुली फॉर्म. तो ये डिफेंस के लिए ऐसा शेप है इनका, फास्ट मूविंग करंट ऑफ वाटर को ये मूव करते हैं अपने बॉडी शेप के कारण. फिर होते हैं ग्लोबी फॉर्म फिशेस. नहीं अभी तो
फिर होते हैं अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो अभी तक हम लोग ने देखा कि बॉडी शेप के बेसिस पे ऑलमोस्ट 6 टाइप ऑफ फिशेस थी, जिसमें पहला था फ्यूजीफॉर्म, फिर था एंगुली फॉर्म, टेनी फॉर्म, फिर सैगेटी फॉर्म, कंप्रेसी फॉर्म देखे हम लोग, जिसका बॉडी कंप्रेस्ड होता है जैसे एंजल लाइक फिश। तो हम लोग ने देखे पहले फ्लैट डिप्रेसिव फॉर्म फिश थे, फिर लॉन्ग या स्किनी या फिलीफॉर्म फिश, उसके बाद फिर ओवल शेप या फ्यूजी फॉर्म फिश, फिर कंप्रेसिव फॉर्म फिश जिसमें बॉडी शेप कंप्रेस्ड होते हैं, फिर सैगेटी फॉर्म फिशेस एरो लाइक, फिर टेनी फॉर्म फिशेस, ग्लोबी फॉर्म फिशेस, एंगुली फॉर्म फिशेस। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन दे आर, फर्स्ट वन इज रोवर प्रीडेटर्स, मतलब ये जो ऐसे फिशेस होते हैं ये घात लगा के बैठे होते हैं, देयर बॉडी इज़ फ्यूजी फॉर्म शेप, फॉर एग्जांपल सैल्मन, ट्राउट एंड बास। तो ऐसे फिशेस यहीं पे मतलब ट्राउट और सैल्मन जो होते हैं फास्ट मूविंग करंट ऑफ वाटर में फास्ट मूव करते हैं, तो इनका बॉडी शेप फ्यूजी फॉर्म हुआ। फिर सेकेंड वन इज़ लाई इन वेट प्रीडेटर्स, वैसे प्रीडेटर्स जो अपने प्रे के मतलब खाने के लिए वहाँ पे बैठे रहते हैं, वैसे फिशेस, जिसका एग्जांपल है सैगेटी फॉर्म बॉडी टाइप्स। हम आपको पहले बताए थे सैगेटी फॉर्म फिशेस होते हैं, जैसे कि फिगर में देख सकते हैं, फिर से हम आपको दिखा दें सैगेटी फॉर्म फिशेस क्या होते हैं। देखिए ये फिशेस एरो लाइक होते हैं, मतलब इनका बॉडी शेप एरो के जैसा होता है, जैसे टॉप मिनोज, किली फिश, ये सारे। तो लाई इन वेट प्रीडेटर्स में सैगेटी फॉर्म फिशेस आए। फिर हम लोग देखते हैं कि सरफेस ओरिएंटेड फिशेस क्या होते हैं, जो फिशेस सरफेस पे पाए जाते हैं, जैसे इसमें हम तो पहले ही बताए थे सैगेटी फॉर्म फिश, तो एरो फिशेस में ही टॉप मिनोज, किली फिशेस आए थे, तो ये सारे सरफेस ओरिएंटेड फिशेस हैं, तो इसमें ये हुआ। फिर होता है डीप बॉडी फिशेस, डीप बॉडी फिशेस का मतलब है वैसे बॉडी जिसका बॉडी शेप, जिसका बॉडी शेप एकदम डीप बॉडी हो, तो वो कंप्रेस होगा तभी तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो उसका बॉडी कंप्रेसिव फॉर्म हो जाएगा, तो वो हुए डीप बॉडी फिशेस। कंप्रेसिव फॉर्म फिशेस में फ्लैट फिशेस आते हैं, जैसे कि फिगर में आप देख सकते हैं, ये है कंप्रेसिव फॉर्म फिश, एंजल लाइक फिशेस हैं। तो एंजल फिश जो होते हैं वो कंप्रेसिव फॉर्म फिश होते हैं, कंप्रेस्ड होता है इसका बॉडी। फिर हम लोग देखते हैं फोर्थ टाइप ऑफ फिश में आते हैं ईल लाइक फिशेस। ईल लाइक फिशेस में टेनी फॉर्म, एंगुली फॉर्म, फिली फॉर्म फिशेस हैं, जो ये सारे एक कैटेगरी में आते हैं, उसमें होता है ईल फिशेस। उसके बाद होता है बॉटम फिशेस, बॉटम फिशेस का मतलब है जो फिशेस बॉटम सरफेस पे पाए जाते हैं, जिसमें मेनली वो फ्लैट फिशेस आ सकते हैं, जिसका बॉडी डिप्रेस्ड होता है, तो वो बॉडी डिप्रेसिव फॉर्म में फ्लैट फिशेस आते हैं। तो ये हुआ बॉटम रोवर्स लाइक कैट फिश, सर्कर, स्टर्जियन, बॉटम क्लिंजर लाइक स्कल्पिन्स, बॉटम हाइंडर्स लाइक डार्टर्स एंड ब्लेनीज, एंड डिप्रेसिव फॉर्म बॉडी फिशेस लाइक फ्लैट फिशेस। तो ये तो हुई बात बॉटम फिशेस की। तो हम लोगों ने आज ये देखा कि बॉडी शेप के बेसिस पे फिशेस कितने टाइप के होते हैं, मतलब बॉडी शेप के बेसिस पे हम लोग देखें कि ऑलमोस्ट 6 टाइप ऑफ फिशेस पाए जाते हैं, जिसमें पहले हम लोग देखे कि डिप्रेसिव फॉर्म फिश थे, फ्यूजी फॉर्म फिश थे, सैगेटी फॉर्म फिश थे, उसके बाद टेनी फॉर्म फिश थे, एंगुली फॉर्म फिश थे। तो ये सारे फिशेस हुए बॉडी शेप के बेसिस पे। उसके बाद हम लोग देखें कि बॉडी फंक्शंस के बेसिस पे भी बहुत टाइप के फिशेस होते हैं, जिसमें बॉडी शेप को कंसीडर करा जाता है, जैसे रोवर प्रेडेटर्स जो होते हैं उसका बॉडी शेप फ्यूजी फॉर्म हुआ। उसी तरह हम लोग देखें कि जो लाई इन वेट प्रीडेटर्स हैं उसका बॉडी शेप सैगेटी फॉर्म फिश, सैगेटी फॉर्म हुआ। जो सरफेस ओरिएंटेड फिश हैं और डीप बॉडी फिशेस में आते हैं कंप्रेसिव फॉर्म फिशेस।
फिर हम लोग देखे ई लाइक फिशेज जो होते हैं उसके अंदर आते हैं टेनी फॉर्म फिश, एंगुली फॉर्म फिश और फिली फॉर्म फिशेज। फिर बॉटम ड्वेलिंग फिशेज जो एकदम सरफेस में पाए जाते हैं वैसे फिशेज, तो सरफेस में पाए जा रहे हैं इसका मतलब है कि उसका बॉडी शेप फ्लैट होगा, तो ये फ्लैट फिशेज हुए जिसका बॉडी शेप डिप्रेसी फॉर्म हुए। तो ये सारे हुए बॉडी शेप के बेसिस पे। तो आज हम लोग देखें कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फिश अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ बॉडी फॉर्म, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिशेस आर फाउंड, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द शेप ऑफ स्केल्स बेसिस, मीन स्केल्स के बेसिस पे कितने तरह के फिशेस मतलब होते हैं, उसका स्केल्स अलग अलग टाइप में अलग अलग होता है, और वैसे भी फिशेस होते हैं जिसमें स्केल्स नहीं होता, तो वो सारे फिशेस के बारे में हम लोग कंसीडर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हम लोग ये भी जानेंगे कि बॉडी एनाटॉमी ऑफ फिश फिन फिशेस क्या क्या है। तो आज के लिए यहीं तक था, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट, देन प्लीज़ लाइक इट एंड देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।